इंदौर में हुए शराब माफियाओं के गैंगवार पर कांग्रेस के जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए यहां तक कह डाला कि भाजपा पार्टी का अपराधीकरण हो चुका है। भाजपा हर नेता अपराधों में संलग्न है या अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। प्रदेश में सरकारी अपराधीकरण हो रहा है। शराब माफियाओं में हुए गैंगवार में पुलिस अपराधियों का साथ दे रही है। इस तरह के कृत्य की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। शराब सिंडिकेट को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस ने अब तक हेमू ठाकुर ग्रुप के 12 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया है तथा सिंडिकेट ऑफिस पर पत्थरबाजी करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अपराधियों की पहचान और गिरफ्तार जारी रहेगी। जो हालात है मध्य प्रदेश के, जो हालात है इंदौर शहर के, जो हालात मीडिया ईमानदारी से, सजगता से और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए सच हमेशा सामने लाती है। इंदौर की 2 दिन पहले की पूरी व्यथा इंदौर की जनता ने देखी। गैंगवार, इससे पहले इंदौर में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। जिस तरह का तांडव अब मचने लगा, मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी कि जब सरकार थी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, माफियाओं के खिलाफ उनने जो युद्ध किया, हर तरह के माफिया के खिलाफ, वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अलग अलग तरीके से खाद्यान्न माफिया हो, चाहे कोई किसी तरह का ऐसी अराजकता जो समाज में एक दुर्गति के रूप में थी, कमलनाथ जी ने उसका सफाया किया था। अब हमारे शिवराज सिंह जी जब फिर से सत्ता का लूट कर आए तो उन्होंने कहा मैं माफियाओं के खिलाफ कमलनाथ की नकल करते हुए सफाया कर दूंगा। थोड़ी कार्रवाइयां भी हुई, पर अब क्या हो रहा है, 10 हाथ जमीन में गाड़ दूंगा, मध्य प्रदेश छोड़ दो। 5-5 आदिवासियों को 10 हाथ नीचे गाड़ दिया। शिवराज सिंह जी की सरकार आंख मूंदे देखती रही। एक कुआ जो सर्वविदित है, 11-11 लोग मौत के गाल में चले गए सरकारी अराजकता और अपराधी सरकारी अपराधीकरण के कारण। अब इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस तरीके से शराब माफियाओं का तांडव देखा, गैंगवार देखा, गोली चालान देखा और फिर पुलिस के संरक्षण में उन माफियाओं को गिरफ्तारी के बजाय समर्पण करवाते हुए देखा, यह है शिवराज सिंह जी आपकी सरकार और यह है आपका प्रशासन, यह है माफियाओं के खिलाफ आपका युद्ध। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता से आह्वान करती है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपराधीकरण, भारतीय जनता पार्टी का अब अपराधीकरण हो चुका है। आप देखो हर जगह अपराधियों के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े दिखते हैं। उनके लोग लगातार शराब माफिया की बात हो, कब्जों की बात हो, अलग अलग प्रकार के अपराधों में संदिग्ध लोगों को दबाते और बचाते हुए दिख रहे हैं। किसके होर्डिंग पोस्टर पर गुंडों और बदमाशों के फोटो और चित्र होते हैं, सर्वविदित है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी पूरे कृत्य की निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पुलिस अपराधियों के संरक्षण के हिसाब से अपना काम न करे, पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम कसे और इंदौर को इस अपराधियों से बचाए। मैं मांग करता हूं पूरा कृत्य की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। जो शराब का मामला है उसमें जो 2 लोगों की बात कर रहे हैं आप, वो पहले से ही FIR में अपराधी हैं वो। इसके अलावा हम लोगों ने और भी लोगों को इसमें आरोपी बनाया है। अभी इनको चिन्हित किया जा रहा है कौन कौन साथ में थे। इसमें अभी और भी आरोपी बढ़ेंगे
और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने इसमें टोटल आरोप हैं? अभी इसमें कुल मिलाकर 12 आरोपी नामजद हो चुके हैं, और भी आरोपियों की पहचान की जा रही है जो इसमें आगे और पीछे रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग कड़ी कार्रवाई अभी कर रहे हैं। सर, जो तोड़फोड़ की थी उसमें सर उसमें कितने पत्थरबाजी जो पत्थरबाजी की गई थी उसमें पुलिस ने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था तोड़फोड़ का, उसमें 9 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है फुटेज के आधार पर। सर, कितने चिन्हित हैं सर पत्थरबाजी में, कितने लोग? अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार कर लिया है, अन्य लोगों को हम लोग पहचान करा रहे हैं और उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी शीघ्र करेंगे। जो 9 लोग गिरफ्तार करें इनमें भी कोई रिकॉर्ड आरोपी है? इसमें जो 9 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं हम लोग चेक कर रहे हैं किस किस का आपराधिक रिकॉर्ड है और सबसे कार्रवाई करेंगे।